और है ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे खेल से संबंधित और इनमें खेल से संबंधित आ रहे हैं। मैंने तुक्के तो कहीं नहीं लगाई, एक्यूरेसी एकदम तुक्के नहीं लगा, 100% एक्यूरेसी के साथ है। ये भाई ने करेक्ट कर दिया सारे क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट कर दिया लगभग भाई साहब? बेहतर कराया मैं तो। कितना? 72 हाँ। मैथ में सारे चैप्टर थे उसमें से बेसिक पूछ रखा था। सच्ची नाम है सचिन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तुमने? मैंने 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 73 क्वेश्चन, इसमें क्या एक्यूरेसी रहेगी? कितने क्वेश्चन करेक्ट? एक्यूरेसी मैंने तुक्के तो कहीं नहीं लगाए, एक्यूरेसी एकदम तुक्के नहीं लगा, 100% एक्यूरेसी के साथ है। ये भाई ने करेक्ट कर दिए सारे क्वेश्चन, जितने आते थे इनको इतने ही किए। हाँ अच्छा ये बताओ जीएस में कैसा आ रहा है? जीएस इजी टू तो मॉडरेट भी आ रहा है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो मतलब आउट ऑफ है, उसमें कोई मतलब करंट अफेयर के डाल रखे हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कि क्या क्या था याद है? क्लासिकल डांस था, फोक डांस था, और उसमें से ये जो नृत्यांगना पूछ रखी थी, और स्टेटिक्स में से और ज़्यादा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और अमेंडमेंट से क्या क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐसा था, 2017 के अंदर जो पारित हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके जो विधेयक पास हुआ था, तो उसके बारे में पूछ रखा था कि जो बिल पास हुआ है ना, ये जो कौन सा है, मैं एक्चुअल में नाम भूल गया, उसके बारे में पूछ रखा था। और अनुच्छेद एक क्वेश्चन अनुच्छेद के रिलेटेड था, जो मतलब स्वतंत्रता के मतलब और विधेयक के रूप में जैसे 19 और 22 के बीच के अंदर जो अनुच्छेद है उसके बारे में पूछ रखा था। पॉलिटी से और क्या क्या क्वेश्चन? पॉलिटी से बस ये क्वेश्चन थे, और एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे था रसायन विज्ञान से था, PbSO4 जो लेड होता है, सल्फेट होता है, उसका एक रासायनिक। रीजनिंग में कैसा लगा था? रीजनिंग इजी थी, बहुत ही। मैथ भी इजी है, लेकिन पूरे अटेम्प्ट करके आया ना, मतलब 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं उसमें। अच्छा, और उसमें बताओ हिंदी में कैसा? हिंदी भी एकदम इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पेपर दिया ना दोनों? थैंक यू सर। थैंक यू। हुआ था बस दो ही क्वेश्चन उसमें ऐसे थे, टाइम टेकिंग थे, बाकी सारा आसान टेस्ट था। सारा आसान था, दो तीन क्वेश्चन टाइम टेकिंग था। मैथ में कैसा आया? मैथ तो बिल्कुल इजी। मैथ बिल्कुल इजी आया। क्या क्या आ रहा है मैथ में? हाँ मैथ में सारे चैप्टर थे उसमें से बस बेसिक पूछ रखा था सब डिटेल में। परसेंटेज से कितने सवाल आए? परसेंटेज से नहीं आया। रेशियो से कितने क्वेश्चन आए? रेशियो से एक क्वेश्चन आया। रेशियो से एक क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया, और उसमें से प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में से आया। हाँ, उसमें से। अच्छा अच्छा, और जीएस में कैसा आ रहा है? जीएस तो ऐसे ही, जीएस तो थोड़ी सी लगा लो, 15 बस। कितना अटेम्प्ट कर दिया लगभग भाई साहब? बेहतर कराया मैं तो। कितना? 72 सही अटेम्प्ट किया। ये बताओ इजी आ रहा है या हार्ड? भाई साहब मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी है। रीजनिंग में तो कल स्टूडेंट्स कह रहे थे हार्ड आ रहा है। नहीं कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है, बस ये है सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रखे हैं। सेम है मैथ जो अपने रीजनिंग है, सेम है गति, इजी। हाँ बिल्कुल इजी लेवल है जी। ठीक है, और जीके का इतना कैलकुलेटिव आ रहा है स्टूडेंट कह रहा है? नहीं, एक जीडी का जो लेवल बोलता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मैथ तो नॉर्मल है गति मैथ भाई। अच्छा जीएस में कैसा? जीएस में ठीक है भाई, कभी कैड आ रहा हो कोई दिक्कत ना हो, सही आ रहा है पेपर। अच्छा अच्छा, जीएस में क्वेश्चन बताना क्या क्या आ रहा है? जीएस में वो एक देखो आ रहा था, देखो मैं बताऊंगा आपको, डांस आ रहे हैं एक तो, ठीक है, एक संबंधित वो आ रहे थे, कलाकार आए थे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आया है, कुछ जो है ना मेजर पार्ट से। क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री से था 1909 में, 1909 में BCCI की स्थापना होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बना क्रिकेट है, ऐसा कुछ टाइप क्वेश्चन था। बस है ना जीके का थोड़ा सेपरेट है, और स्टैटिक पोर्शन से क्या भाई? स्टैटिक पोर्शन से क्या क्या है? स्टैटिक ये बताओ भाई। इससे बता दिया, डांस आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, नृत्य आ रहे हैं, स्टेट के वाइज। हाँ ठीक है जी, बताओ क्या क्या है भाई? अपने खेल नृत्य पूछे जा रहे हैं। हाँ। और उसका देख चाय पी रहा हूँ। नहीं, चाय पी रहा था, जवाब दो। सुनो नृत्य आ रहे हैं। हाँ। और है ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे खेल से संबंधित। हाँ। और इनमें खेल से संबंधित आ रहे हैं। हाँ। और अपने अर्थव्यवस्था के बारे में आ रहे हैं। और कुछ और ये है कि आप है ना कौन अपने को सम्मान मिला है ना। हाँ। जिससे कौन सा अनुच्छेद के द्वारा आपको अधिकार दिया गया, अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, बस यही जीके के अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा अभी।
अच्छा अच्छा, और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर से तीन दो क्वेश्चन आए थे मेरे पास तो। अच्छा, आप कितने क्वेश्चन अटेंड किया? मैंने 48 अटेम्प्ट किया है, टाइमिंग बहुत कम है, एक सिर्फ 48 और टाइमिंग लगेगा सॉल्व करने में 48 में खत्म हो जाएगा आपका? अब इतना तो अब मैं इतना सोच रहा नहीं 48 में मेरा हो पाएगा क्या। मैंने तैयारी करते हो किसी स्पीड एक बात है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हर चीज़ की। हाँ, इन मैथ की और सबकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। टाइम क्या पढ़ने में चल जाता है, मैनेजमेंट में कोई इश्यू तो नहीं आया था? टाइम कम तो नहीं पड़ गया? नहीं नहीं, टाइम मैनेजमेंट सर टाइम प्रॉपर मिल रहा, बढ़िया मिल रहा है। वो तो अपनी है प्रैक्टिस के ऊपर फर्क पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस कितनी उस हिसाब से करना पड़ेगा।